अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुज्तबा हुसैन, मैं लंदन में रहता हूँ। वेलकम टू माई सेकेंड व्लॉग ऑफ माई लाइफ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पसंद करोगे। खैर, शाम के 5 बजे मैं उठा, सुबह को सोया था, नाइट शिफ्ट करी, 5 बजे उठा। पर उठने के बाद मैंने सबसे पहले अपने कमरे का पर्दा हटाया और फिर उसके बाद अपने काम काज करने के लिए मैं रेडी हुआ। लाइट ऑन करने के बाद यह होता कि मुझे अपना बेड बनाना होता। अगर मैं मॉर्निंग में काम करूं, मुझे काम पे जाने से पहले अपना कमरा साफ़ करना और बेड बनाना अच्छा लगता है। अगर मैं नाइट की शिफ्ट कर रहा हूं, तो शिफ्ट करने जाने से पहले मुझे अपना बेड बनाना होता है। कुछ लैपटॉप का सामान पड़ा था, उसको मैंने सारा टाइडी किया, और कुछ बिखरे कपड़े पड़े थे, उनको भी मैंने वॉशिंग मशीन में डाला। तो आज मुझे एक दोस्त से मिलने जाना था जो कि कार्डिफ से आया था, तो मैंने सोचा यार उससे मिलते हैं। और उसके लिए मैंने अपने लिए मैंने कुछ कपड़े, और ये मेरी परफ्यूम जो कि मैं हमेशा लगाता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। सोचा दोस्त को मिलने से पहले थोड़ा सा अपना कमरा साफ कर लूँ, जिसमें तकरीबन मुझे 10 मिनट लगेंगे। मैंने अपने स्टोर रूम से ये हूवर निकाला, ये बहुत ज़्यादा शोर करता है और मुझे बिल्कुल भी ये हूवर पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूँ, कमरा भी तो साफ़ करना है ना। मैंने अपना कमरा साफ़ किया, शायद आपको वीडियो में इतना वो गंदा नज़र नहीं ना आ रहा हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि कितना गंदा था। कुछ दिन पहले मेरा एक रूममेट है, वो रूम लीक करके गया है, तो काफ़ी मैसी था मेरा कमरा, तो मैंने उसको सारा टाइडी किया। टाइडी करने के बाद मैंने हूवर किया, हूवर को मैंने वापस रखा, फिर मैंने नहाने का सोचा। तो ये मेरा टी ट्री का बॉडी वॉश, ये मेरा हेयर मास्क है, मेरे बाल बहुत गिरते थे, बहुत रफ़ हो गए थे, मैं ये यूज़ करता हूँ। ये डैंड्रफ का जो था वो मेरा शैम्पू था। फिर उसके बाद आई डिसाइडेड टू गो आउट एंड मैंने ये वाली सॉक्स, और मैं हमेशा जब भी बाहर जाता हूँ मुझे ये वाले शूज़ बहुत पसंद है, हालांकि ये गंदे हो चुके हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। ये जी हमने आज की हमारी क्या कहते हैं लुक कह लो, हाँ, ग्रीन कलर विद रेनबो कलर के शूज़, कुछ गलत ना समझ लेना। ये मैंने परफ्यूम लगाई, और हालांकि मैंने लगा ली थी, लेकिन मैंने शॉट बनाने के लिए। अच्छा, वो मेरी इलेक्ट्रिक बाइक पड़ी, अगर किसी को चाहिए तो मुझे बता दे। खैर, उसके बाद हमने डोर लॉक किया, डोर लॉक करने के बाद मैंने मेन डोर लॉक किया, फिर उसके बाद हम चल पड़े अपनी मंजिल की ओर। मैं एक दोस्त से मिलने जा रहा था, वो आया था कार्डिफ वेल से, और मैं उससे 1 साल के बाद मिलने जा रहा था। हम रहते तो एक ही मुल्क में हैं, लेकिन हमारा टाइम इतना बिजी होता है कि उसको कभी प्लान नहीं मिला, और कभी वो एक दफ़ा लंदन आया भी था, लेकिन मेरा स्केड्यूल, मैं इतना हैक्टिक मेरी रूटीन थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं उसको जिसको मिलने भी जाना है, और मैं भूल गया। अभी मैं सिर्फ जो है वो ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूँ, कि जैसा ही बस का इंतज़ार करूँ। बस आने में अभी 5 मिनट हैं, 5 मिनट के बाद हम बस पकड़ेंगे, और उसके बाद बस एक स्टेशन पर ले कर जाएगी। स्टेशन से मैं 10-15 मिनट की जो है वो जर्नी है, उसके बाद एक दोबारा ट्रेन पकड़ूंगा, और फिर वो ट्रेन पकड़ के फिर मैं सेंट्रल लंदन पहुंचूंगा। तो लेट्स गो। अच्छा, ये बस आ गई, बस पकड़ी, बस से मैं उतरा, स्टेशन की तरफ पहुंचा, और काफ़ी ठंडी हवा भी थी और मुझे ठंड लग भी रही थी। मैंने अपने आप को फुली कवर तो किया था, लेकिन आपको पता लंदन की ठंड का तो एक अपना ही वो स्वैग है। खैर, ट्रेन स्टेशन की तरफ बड़े अंडरग्राउंड ट्रेन पकड़नी थी, एक तो वो नया आप अंडरग्राउंड स्टेशन में आपको पता कितना शोर होता है, ट्रेन बहुत शोर करती है। खैर, कार टैप किया, कुछ पैसे ज़ाए किए ट्रेन स्टेशन पे टैप के, और ये सामने मैप था, मैप को फॉलो करते हुए मैं ट्रेन स्टेशन पे पहुंचा, कि मैंने किस रूट पे, किस नॉर्दर्न लाइन से कौन सा प्लेटफॉर्म पकड़ के किस स्टॉप पर उतरना है। तो ये भी आपको, ये जो चीज़ है ना, और ये चीज़ आप कभी भी मत करना अपनी ज़िंदगी में, यूके में कभी भी आप ट्रेन पे बैठ के भी किसी को स्टेयर नहीं करना, और ये हेल्प पॉइंट है अगर इमरजेंसी में अगर आपको हेल्प चाहिए तो। खैर, ये देखो ट्रेन आ रही थी, थोड़ा शॉर्ट लिया, अभी मैं इतना अच्छा एडिटर तो नहीं हूँ, लेकिन हो जाऊँगा इंशाल्लाह, इसमें कोई इतनी वो एम्बेरसमेंट वाली बात तो नहीं है, एवरीथिंग टेक्स टाइम। इसके बाल मुझे बड़े प्यारे लगे थे, मैंने रिकॉर्ड तो इसके तो किए नहीं, हालांकि मैंने वैसे व्लॉग को किया, लेकिन उसके बाल मुझे बाद में देखने में बड़े अच्छे लगे। खैर, प्लेटफॉर्म से उतरा, एक प्लेटफॉर्म से उतरा और दूसरे प्लेटफॉर्म पे मुझे बैठना था, वहाँ से ट्रेन लेके मुझे दोबारा एक ट्रेन पकड़नी थी 10 मिनट की, वहाँ से उतर के फिर मुझे अपने दोस्त को मिलने जाना था। हालाँकि मेरा दोस्त तो पहुँच चुका था पहले ही, लेकिन ये है कि मैं थोड़ा सा लेट हो चुका था। फिर मैंने प्लेटफॉर्म 1 पकड़ा, और ये हम उतरे ट्रेन से, और फिर हम दोबारा टैप आउट करेंगे, तो ये हम पहुंच गए।
अच्छा, ये आपको मैंने दिखा दिया, ये ऑक्सफोर्ड सर्कस है। ऑक्सफोर्ड सर्कस लंदन में एक एरिया है, ये बहुत अच्छा एरिया है घूमने के लिहाज से। आप काफ़ी एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कि इन चॉकलेट्स को मैंने एक्सप्लोर किया और यहाँ पे काफ़ी अच्छी शॉप्स भी हैं क्लोथिंग की। खैर, इंजॉय तो मैंने आप किया, आप खुद ही देख लो। इसने डांस अच्छा किया लेकिन मुझे लैंग्वेज समझ नहीं आई, लेकिन मैंने खूब इंजॉय किया है। इस शॉप पर आया था, शॉप थी बंद। एक लश शॉप है बॉडी के रिलेटेड, शैम्पू, अगर आपको सोप चाहिए, बॉडी वॉश चाहिए, या आपको कुछ भी लाइक शावर के रिलेटेड सामान चाहिए, या आपको टूथपेस्ट, अच्छी सी चारकोल पाउडर चाहिए, आपको मिल सकती है। उसके बाद एक बहुत कमाल की, मुझे समझ नहीं है क्या गाड़ी है। खैर, अब मैं इतना टाइम नहीं था, मैं थका हुआ था। फिर मैंने वापसी का रुख किया और मुझे प्यास भी बहुत लगी थी और मैंने सोचा कुछ जूस पीता हूँ। यहाँ पे एक काफ़ी क्वांटिटी और काफ़ी वेरिएशंस कह सकते हो, डिफरेंट कैटेगरीज के जूस थे। मैंने अपना फेवरेट जूस पकड़ा, आप देखें कितने ज़्यादा जूस हैं। और हमारे पाकिस्तान में सिर्फ वही है, वो वाला 10 रुपये वाला मिलता था, मुझे आज भी याद है, 10 रुपीज़ का, 10 रुपये वाला ही बोलूँगा भाई मैं तो। पता नहीं मुझे उसका एक तो शिजान की बोतल मिलती थी 25 रुपये वाली, जो मैं खाते पीता था बंद के साथ, और एक और जूस मिलता था, वो मेरे जहन में नहीं आ रहा है। उसके बाद ये थोड़ी शॉप को मैंने एक्सप्लोर करा और कुछ और चीज़ तो नहीं लेनी। फिर मैंने ये एक बबल गम पकड़ी, खैर अभी नहीं, एंड पे जब मैं, मुझे भूख लगी थी, सोचा कुछ खा लूँ पी लूँ, लेकिन सोचा फिर देखने के बाद कुछ नज़र नहीं आया, ये मैंने सोचा ले लूँ, लेकिन फिर सोचा नहीं, इसे पेट थोड़ी ना भरेगा। तो इसको खूब देखने के बाद मैं दोबारा कॉफ़ी की तरफ, मैंने बोला नहीं यार, अब जूस तो ले ली, अब कॉफ़ी लेकर क्या करूँगा। कभी किसी दिन मैं प्रॉपर एक ब्लॉग बनाऊँगा, यहाँ पे जो होते हैं ना ऑफ लाइसेंस शॉप्स होती हैं, इनके बड़े बड़ी कमाल की चीज़ें होती हैं, तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। फिर उसके बाद मैंने ये चावल पड़े थे फ्रोज़न, मैंने बोला नहीं यार, रात का टाइम है, चावल भी नहीं खाने हैं, अभी अपना स्टमक ख़राब, अपनी ही तबीयत ख़राब करने वाली बात है। ये मैंने खाने का सोचा, लेकिन फिर मुझे थोड़ा महंगा लगा, फिर मैंने बोला चलो देख के ना, अब इसको वापस रख देता हूँ। और मैंने वही किया, देख के मैंने वापस रख दिया, अच्छे बच्चों की तरह। ये कुछ आइसक्रीम्स थी, आइसक्रीम का यूके में ना सर्दियों से ताल्लुक़ है ना गर्मियों से, यहाँ पे लोग सारा साल आइसक्रीम खाते हैं और शौक से खाते हैं। ये अल्लाह माफ़ करे इनसे, इनको रहने ही दो। ये मैंने बबल गम ली क्योंकि मुझे च्युइंग गम पसंद है, और मैं जो है वो मुँह चबाता रहता हूँ, मेरे मुँह में ना हल्की कोई चीज़ हो मैं चबाता रहूँ, मुझे अच्छा महसूस होता है। ये कुछ चॉकलेट्स हैं, खाई तो मैंने भी कुछ ही हैं, मेरी ऊपर वाली है जो उसका नाम है मुझे याद नहीं रहा। खैर, ये मेरी बस आ गई, बस जल्दी ही आ गई थी, बस में बैठे, पहले तो क्यू में लगे, बस में बैठे आराम से, कोई जल्दी नहीं, टैप किया और जाके अपनी सीट पे बैठा। अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई मैं जिस दोस्त से मिलने आया था वो किधर है, वो भाई हम तो व्लॉग का सोच रहे हैं कि वो दोस्त आएगा, देखेंगे तो नज़र उतारेंगे, लेकिन वो मैं आपको अपने थर्ड व्लॉग के अंदर उसकी सारी डिटेल्स दूंगा और एक प्रॉपर वो व्लॉग बनाऊँगा जिसके साथ मैंने सारा टाइम गुजारा, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो रहा था और उसके बाद मुझे घर भी जाना था। खैर, ये शू रैक है मेरा, जहाँ पर मैं काफ़ी ऑर्गेनाइज वे से अपनी चीज़ें रखता हूँ, जैसे कि अभी मेरे शूज़ हैं, और हमेशा मैं अपना डोर है वो डबल चेक करता हूँ कि भाई डोर तो मेरा डबल प्रॉपर लॉक है कि नहीं, शूज़ रखा। और ये हमारे घर के दो दरवाजे हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट,
लेकिन काफ़ी लोगों के घरों के दो दरवाजे हैं यहाँ पे, टू डोर्स, एंड आई लॉक्ड माय लैब, मैंने अपना दूसरा जो है वो भी लॉक किया। फिर ये रहे हम थके टूटे हारे। ओके जी, खुदाफिज़, अच्छा लगा आपसे बात करके सबसे, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। नुक्स ना निकालना, दुआएं देना, खुदाफिज़।